हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं बना रही थी सुबह सुबह नाश्ता, और ये ना कटोरी में मैं पहले बनाई थी, आदित्य स्कूल उसको जाना था तो मैं बनाती उसके लिए बेसन का चिल्ला, और बस थोड़ा सा ही बेसन था उसी का भर, और थोड़ा सा यहाँ पे बचा हुआ था। ये देखिए उसका बैटर थोड़ा सा बचा हुआ था और बेसन नहीं था। तो यहाँ पर मैंने फिर क्या किया, आशी को भी वही खाना था, अयांश को भी वही खाना था, तो फिर मैंने उसमें आटा मिला दिया है, और आटा का मैं छिलका रोटी बना रही हूँ। इसे मैंने आलू प्याज मिर्च दिया है काट के, और धनिया पाउडर हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मिर्च पाउडर थोड़ा सा जीरा ये सब डाल के, नमक डालकर, और इन लोगों को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मैं अक्सर क्या करती हूँ, कभी भी मैं बेसन का चिल्ला बनाती हूँ ना तो उसमें थोड़ा सा आटा ऐड ज़रूर करती हूँ, क्योंकि सिर्फ बेसन का चिल्ला बनाने से बहुत सूखा सूखा बनता है और बहुत पानी प्यास लगता है, और मेरे बच्चों को ना बेसन के चिल्ला में टमाटर नहीं चाहिए, तो उसके वजह से ना अगर वो टमाटर नहीं डालती तो बिल्कुल वो सूखा बनता है, और आटा मिलाने से ना वो सॉफ्ट हो जाता है, और वो खाने में भी अच्छा लगता है, हेल्दी भी रहता है और पेट भर जाता है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने आटा मिक्स करके, और अभी मैं बना रही थी, आशी की आज छुट्टी थी, और छुट्टी इसकी 3-4 दिनों की ही पड़ गई है, एक ही बार मंडे को स्कूल जाना है, तो फिर उनके स्कूल से मैसेज आया था ना कि ऑनलाइन क्लास होगा। तो यहाँ पर देखिए 9, वैसे तो 8 बजे से ही इसका ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है, पर अभी 9 बज गया है, और ये अभी देखिए अपना जो भी हो रहा है क्लास में वही कर रही है पढ़ाई। और ऑनलाइन क्लास में तो आप सब जानते हो फ्रेंड्स, बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, थोड़े से बड़े बच्चे रहते हैं ना वो लोग अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, और बहुत सारे बच्चे रहते हैं ना तो हो जाता है, शुरू शुरू दिन तो ये लोग ठीक ही रहते हैं, फिर दूसरा तीसरा दिन में ना इन लोगों का शरारत स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं बना रही थी, आशी खा चुकी थी, अपने लिए मैं बना रही थी और अयांश के लिए बना रही थी यहाँ पर सुबह, तो वही हो गया था हम लोग का। इसमें क्या है कि मैं इस थाली से ढक दे रही हूँ बार बार, इसलिए क्योंकि ये इसमें आलू मैंने डाला था तो वो अच्छे से पक जाए और मतलब कच्चा ना रह जाए, और ये देखिए ये थोड़ा मोटा ही बनता है। 4 भाग में इसको डिवाइड कर रही हूँ, एक छोटा सा मैं दे दूँगी अयांश को, वो खा लेगा तो उसका इतना ही में पेट भर जाएगा, और ये देखिए बाहर इतना सुंदर हरियाली हुआ है ना, और आज धूप खिली है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि कपड़े मेरे सारे सूख जाएंगे, क्योंकि मैंने एक दिन पहले भी कपड़े नहीं धोए थे तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए, और आज मैंने बेडशीट वगैरह निकाला था। तो बस यहाँ पर ना आज अभी मैंने बेटर ना थोड़ा ज़्यादा ही बना दी थी, आशी तो एक ही खाई और वो हो गई, उसका ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर देखिए 2 और बनेंगे तो मैं रख दूँगी, बाद में हम लोग खा लेंगे, या फिर अभी आशी के पापा आते हैं तो वो भी खा लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे ना अयांश अभी सो के ही उठा था, लेट से ही आज सो के उठा था, तो बस अभी मेरे पास ही आता है सो के उठने के बाद, बस इसको मम्मी चाहिए। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं ना अभी सॉस के साथ इसको खाऊंगी, ये टमाटो सॉस है, और कभी कभी मैं भी खा लेती, क्योंकि आज धनिया पत्ता ये सब कुछ था नहीं तो हरी चटनी कैसे बनाऊंगी मैं। तो ये देखिए यहाँ पर अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए, और उसके बाद फिर बाकी का काम करूँगी। कितने सुंदर लग रहे हैं ना देखने में, और बिल्कुल लग ही रहा है कि ये बेसन का ही चिल्ला है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, और मैं काफ़ी दिनों से आप सभी के साथ एक चीज़ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैं इसको ट्राई कर रही थी, और आप विश्वास नहीं करोगे मेरे बालों में ना मैजिकल रिजल्ट मुझे मिला है, तो अभी तो मैंने सोचा कि आज मैं शेयर करती हूँ आपसे। मेरे बाल आप सब देख सकते हो, मेरे बाल कितने ज़्यादा पतले फ्रिजी, और ये तो छोड़िए, जैसे कि अगर मैं अपना माथा दिखाती हूँ ना तो ये मेरे पूरे बाल ना उड़ गए हैं, तो मुझे बहुत शर्म लगती है कि मेरी जब मैं मांग फाड़ती हूँ तो मेरी चौड़ी मांग दिखती है, कहीं आने जाने में भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, जब भी मैं अपने बालों को सहलाती हूँ तो ऐसे गुच्छों में मेरे बाल निकलते हैं। तो फिर उसके बाद मुझे मिला ये मामा अर्थ का रोज मेरी हेयर ग्रोथ स्कैल्प सीरम, ट्यूब फॉर्म में आता है, और मैं इसे फिर ना रेगुलर इस्तेमाल करने लगी, जैसे कि इसको रात में लगा के सो जाती हूँ, और इसको लगाने के बाद ना
हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। हम जब हफ्ते में दो बार या तीन बार जब भी रूटीन के हिसाब से हेयर वॉश करते हैं तभी करें, लेकिन इसे हम दिन में रात में कभी भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसे मैं रात में लगा लिया करती हूँ ऐसे ही मांग फाड़ के, और अपने फिंगर टिप्स की मदद से हल्के हाथों से मसाज करती हूँ। इस सीरम को यूज करने से हमारे न्यू हेयर ग्रो होंगे, क्योंकि इसमें 95% रोजमेरी एक्सट्रैक्ट ऑयल है और 4% एनागेन एंड मेथी दाना है। विद इन 14 वीक्स हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा और न्यू हेयर ग्रो भी होगा। अच्छे रिजल्ट पाने के लिए ये ममा अर्थ का रोजमेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू मैं इस्तेमाल करती हूँ, और इसके सारे रेंज मिलते हैं रोजमेरी के, जैसे कि ऑयल, शैम्पू और कंडीशनर। लेकिन ममा अर्थ ने न्यू लॉन्च किया है ये सीरम और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ममा अर्थ का रोज मेरी एंटी हेयर फॉल कंडीशनर मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने बालों पर, और बस इसको मैं अभी 2-3 मिनट तक इसी तरह लगे रहने दूंगी, फिर इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर दूंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, शाइनिंग बाल। फ्रेंड्स, अगर आपके भी बाल बहुत ज़्यादा चिपचिपा ऑयली देखने में लगता है तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। 14 से 12 वीक्स के अंदर ही आपका ना ये न्यू हेयर ग्रोथ भी होगा और सिल्की भी होंगे, चमकदार भी बनेंगे। और ये बिल्कुल परफेक्ट है हाउस होल्ड DIY जो हम बनाते हैं। आप साफ साफ देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर का रिजल्ट। ममा अर्थ हमेशा अपने कस्टमर के फीडबैक को सुनता है और इम्प्रूव करता है अपने प्रोडक्ट को। जैसे कि उन्होंने ऑनियन शैम्पू को बहुत ज़्यादा सुधार उसमें लाया है, और वो लोग हमेशा अपग्रेडिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट को रिसर्च और इनोवेशन के थ्रू बेटर क्वालिटी के लिए। वैसे ये आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। आपको ये ममा अर्थ के वेबसाइट पर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका और पर्पल में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आप इसे ऑफलाइन भी ले सकते हो अपने घर के नज़दीकी स्टोर से। और हाँ, अगर आपके घर के नज़दीकी स्टोर में मिलता है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फ्रेंड, जो शो हो रहा है ना कूपन कोड, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगा 20% ऑफ। ये कूपन कोड अप्लाई होगा ममा अर्थ के एप्लीकेशन पर और ममा अर्थ के वेबसाइट। रोज मेरी रेंज के सारे प्रोडक्ट के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी शाम के 5 बज गया है और मैं जा रही छत के ऊपर, मुझे लाने हैं कपड़े। मैं कपड़े सूखने के लिए दी थी तो वही मुझे लाने हैं। और आज दोपहर का वही खाना पीना खा के, और मैंने वही अरबी बनाई थी जो आधी बच गई थी ना वो। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे ना पूरा ये जो सीरीज हर है ना पूरा, मतलब कि इतना गंदा दिख रहा है, इतना गंदा आप देख सकते हो। पूरा ना इसमें सीलन आ गया है, सीलन, और पूरा ना ब्लैक ब्लैक हो गया इस दीवार पर, और इस दीवार पर भी हो गया है, और इस दीवार पे बस नहीं हुआ है, और इस दीवार पे नहीं हुआ है, ये दरवाज़ा जिस दीवार पे है उस पर नहीं हुआ है, और पूरा तो ये तहस नहस हो गया है। कोई तो कहेगा ही नहीं कि ये नया घर है, इतना गंदा लग रहा है। और किसके वजह से? मेरे हस्बैंड की वजह से, क्योंकि अभी तो मैं उन्हीं की गलती दूंगी। और इस वजह से हुई है क्योंकि इतनी बारिश होती है इधर हमारे इधर, और इसके जो पीछे की तरफ की दीवार है ना वो ना पलस्तर ही नहीं हुआ है, इसी वजह से इतना गंदा। कुछ इस तरह से मेरा पूरा घर हो गया है। ये देखिए इतना सुंदर ये दिखता था ना, ये देखिए इधर भी ऊपर का बस थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, ये वाला तो पूरा दीवार तहस नहस हो गया है। मुझे इतना रोना आता है ना इस अपने घर की हालत को देखकर। हम लोग इतनी मेहनत से हम घर बनवाते हैं और छोटी सी मिस्टेक की वजह से ना हम लोग का ये हाल हो जाता है। देखिए ये वाला इतना दीवार क्यों ख़राब हुआ है, क्योंकि ये वाला दीवार इधर की साइड प्लस्तर नहीं हुआ है। फिर तो उधर हमने पुट्टी करवाई थी, कलर वगैरह हम लोग नहीं करवाए थे, पुट्टी करके हम लोग आ गए थे। पुट्टी के ऊपर ना प्राइमर करवाए थे, तो इसी वजह से ना हमारे कपड़ों पे वो पुट्टी लगती नहीं है। अगर प्राइमर नहीं करवाते ना तो लगती, कोई भी सटता ना उस दीवार से, किसी भी दीवार से तो लग जाती। और आपका कमेंट आया था कि आप, एक जन का कमेंट आया था कि पुट्टी करवाया कि कलर, तो सिर्फ पुट्टी है उसके ऊपर प्राइमर हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमें ये दीवार अब जैसे आज बस बारिश नहीं हुई है पूरा दिन, नहीं तो कभी ना कभी बारिश हो ही जाती थी।
और यहाँ पे हम लोग जैसे ही थोड़ा बरसात कम होगा ना, अब इस वाले दीवार पे हम लोग को प्लास्टर इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि पूरा घर सील मतलब इसकी वजह से ना इधर उधर फैल रहा है, इधर भी प्लास्टर नहीं हुआ है और ये देखिए फ्रेंड्स पीछे की साइड भी नहीं हुआ है। ये देखिए ये वाला जो ये देखिए फ्रेंड्स ये वाला जो दीवार है ना इस तरफ भी नहीं हुआ है और इस तरफ, बाकी आगे की जो साइड है यहाँ पे दरवाज़ा है तो इस तरफ हुआ है, तो इधर सीलन नहीं हुआ है, उसके ऊपर तो यही लगा हुआ है तो पानी बरसात का इस पर नहीं घुसता है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये तो आगे की तरफ है तो ये दीवार बचा हुआ है, तो मैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना कि इतना मतलब जाएगा, कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा था। ये देखिए लोग तो सोचे भी नहीं थे कि मेरा घर इतना ऐसा हो जाएगा और इतना काला काला टाइप का हो जाएगा, और ये ना हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, सीलन में जो मतलब कि ब्लैकनेस आ जाती है ये हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं। एक बार तो मैं साफ़ कर रही थी ये वाला, ये देखिए मैं कपड़े से साफ़ की हूँ इतना, तो ये कैसे निशान हो गया है साफ़ करने का, फिर हो गया। अब ये किसका क्या ही इलाज होगा, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा तो देखा फ्रेंड्स आप सभी ने मतलब कि मैं एक बार आप सबके कमेंट भी आए थे, मैं ऊपर नीचे आती हूँ ना तो कि कितना कैसा हो गया आपका घर, तो फ्रेंड्स क्या करें हम लोग कभी घर बनवाए नहीं थे, हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि ये वाला प्लास्टर नहीं करेंगे तो हम लोग का इतना मतलब कि दिमाग काम ही नहीं करता है क्या मैं बताऊँ, नहीं तो फिर इतना बनवा ली और ये प्लास्टर फिर हम लोग क्यों नहीं करवाते, सोचिए दिमाग ही में नहीं आया। और पता नहीं क्यों नहीं करवाएं ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि सारा घर हमने पता है, ये भी मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि जब हमारा ये इधर काम लगेगा ना इस साइड ये वाला जो रूम जब फिनिशिंग होगी इसकी प्लास्टर और ये सब होता तब यहाँ का भी काम हो जाता लगे हाथ, तो कहते हैं ना जो काम छूट जाता है ना वो कभी होता नहीं है, तो इसीलिए कोई काम छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन क्या करें फ्रेंड्स पता है पैसों की भी थोड़ी बहुत तंगी थी उस टाइम, तो इसी वजह से हम लोग ये वाला काम छोड़ ही दिए, लेकिन कोई बात नहीं अब क्या करें गलती से ही सीख मिलती है, तो करवाएंगे धीरे धीरे जैसे ही बरसात कम होगी। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हम फिर मिलेंगे अच्छे से नए वीडियो के साथ, बाय बाय।